यहाँ तक कि हमारे हिंदू संस्कृति के द्वारा यही वो जगह है जहाँ सीता मैया का रियल जन्म स्थल माना जाता है। तो ईद के कारण 2 दिन कॉलेज बंद है। मैंने ये सोचा कि मैं वैशाली घूम लेता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं सोलो ट्रिप कर नहीं सकता हूँ, तो मैं अभी सीता मैया का जन्म स्थल सीतामढ़ी के लिए निकल रहा हूँ। और अभी 10 बज रहा है, अभी तक कुछ खाए पिए नहीं है। रास्ते में मौका मिला तो खा लूंगा। तो फिलहाल अभी हम हैं सीतामढ़ी, ये प्रॉपर जगह है ना, तो सीतामढ़ी का जानकी स्थान के आसपास इनका घर है। ये हमारा कॉलेज फ्रेंड है, दिस इज हिमांशु। ये एक फायदा हुआ कॉलेज ज्वाइन करके ना, हद से ज्यादा दोस्त बन चुका है। हम लोग कुछ देर रेस्ट करते हैं और निकलते हैं सीतामढ़ी घूमने के लिए। तो भाई साहब कुछ बताओ सीतामढ़ी का एक्सपीरियंस। सीतामढ़ी माँ सीता जन्म स्थली जो है ना, ये सीतामढ़ी में ही प्रॉपर जानकी स्थान को कहा जाता है। तो सीता मैया यहीं पे जन्म लिया जी। जनकपुर क्या है? जनकपुर में जो है ना, हाँ, राजा जनक जी का घर हुआ, लेकिन सीता माँ का जन्म यहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है कि सीता मैया का जन्म यहाँ हुआ था और जनकपुर उनके पिताजी का घर था। तो हम लोग 3 बजे निकलने वाले हैं। तो अभी हम जिस जगह हैं, ये जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम है। ये मंदिर का सीता कुंड है। मैंने कुछ दिन पहले जैसे कि अयोध्या घूम के आया, हम ना ये एक्सपेक्ट नहीं किए हुए थे कि भाई हम लला के नगरी से तो इतना जल्दी आ गए, सीता मैया का भी नगरी दर्शन करने का मौका मिलेगा। अचानक ये प्लेन बैठा है। भाई जाना था मेरे को वैशाली और मैं यहाँ सीता मैया के नगरी में आ गया हूँ। तो चलो पहले चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं मंदिर कैसा है। तो मैप पे मैंने ये सारा देखा था, आने से पहले मैंने चेकआउट किया और इधर तालाब था, मैंने ये चीज नहीं देखा था। और सामने जानकी मंदिर है। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा प्लेन। मढ़ी से 3 से 4 किलोमीटर गांव साइड में यहाँ पे एक मंदिर है, इसका नाम है बगी मठ। यह एक शिव मंदिर है, हम लोगों ने दर्शन कर चुके हैं। और सामने एक तालाब है। और बाकी ये गांव साइड में होने के कारण इधर बहुत ही ज्यादा शांति है और सुकून भरा मंदिर है। लेट्स गो। जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे ये मंदिर मेरे को दिखाता जा रहा है। ये एक और राधा कृष्ण जी का मंदिर है। इन्होंने कहा कि चलो भाई इनको भी घूम ही लो, तो हम भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। तो मेरे पीछे जो देख रहे हो ये तामैया का रियल मंदिर यही माना जाता है। तो अभी हम लोग अंदर जाके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कर पाते हैं साथ में। मंदिर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। यहाँ के लोगों को स्पेशल ये लगता है कि राम जी जो थे वो उनके जीजाजी थे। तो अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ सीता मैया का प्रॉपर जन्म स्थल माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि सीता मैया का जन्म इसी जगह हुआ है। मैं वो जगह अभी आपको दिखा रहा हूँ। जो मेरे पीछे देख रहे हो सीता मैया का रियल जन्म स्थल यही माना जाता है। ऐसा हमारे हिंदू शास्त्रों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ तक कि हमारे हिंदू संस्कृति के द्वारा यही वो जगह है जहाँ सीता मैया का रियल जन्म स्थल माना जाता है। और यहाँ पे रूह कांप गया मेरा आते हुए भी। और मेन वजह यह है कि यहाँ मंदिर बन नहीं रही है। जैसा हमारे राम मंदिर बना वैसे अगर यहाँ पर मंदिर बन जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इस शहर का भी विकास होगा, जैसे हमारे अयोध्या का विकास हो रहा है। और सबसे लकीली बात यह है कि मैं जिस दोस्त के यहाँ आया हूँ उनका घर वो रहा सामने। भाई ये क्या है, इतना लकी है वो कि जस्ट सीता मैया का जन्मस्थल ये और उनका घर वहाँ है। और देखो ये ना जमीन के नदी के ऊपर है। नदी बोलना सही होगा कि नहीं होगा?
कुंड के ऊपर ये मंदिर है और बस ये मंदिर बन नहीं रही है। और नहीं बनने की वजह क्या है? उस कंट्रोवर्सी होती है, मेन है कि दरबार के तरफ से प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो जब सीता मैया गए तो बीच में प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बाप दादा संपत्ति उनका ही है, उनके बाप दादा का संपत्ति है। ये गलत गलत नहीं, यहाँ पे जन्म हुआ है तो वो उन्होंने किया है तो वो इनका हुआ ना। पर सीता मैया शुरू से जब जन्म ही यहाँ लिया तो उनका जमीन कैसे होगा? तो हिंदू वाला कंट्रोवर्सी चलता रहता है, कंट्रोवर्सी चलता रहता है। ये सारा हिंदू मिल जाए ना तो दो दिन में ये सीता मैया का मंदिर बन जाएगा। जीरा में है ना, आधा जमीन इनका है। आसपास ना ज्यादातर मुस्लिम लोग का घर है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। गवर्नमेंट इस जमीन को मांग रही है मंदिर बनाने के लिए, पर वो देने को तैयार नहीं है। और मेन रीजन यही है कि सीता मैया का मंदिर यहाँ नहीं बन पा रही है। और कुछ रीजन है नहीं है। ये एक्सपीरियंस मेरा सबसे अलग रहा, जो राम मंदिर का एक्सपीरियंस था, जो प्रेम मंदिर का एक्सपीरियंस था, उन सबसे काफ़ी ज़्यादा हट के ये एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी का देन था वैशाली ना जाके मैं यहाँ पे आया। थैंक यू। और सुना है तो ये व्लॉग बस यहीं पर रहने देते हैं। बट देखो, एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू सारे जितने भी हिंदू हैं वो एक दिन आगे बस यहाँ पे खड़ा हो जाए ना तो यहाँ पे मंदिर बन के फिक्स हो जाएगा। राइट है या रॉन्ग है? राइट है। भाई काहे नहीं बन रहा, हमको तो आश्चर्य लग रहा है, तुम लोग काहे ना मंदिर बनवा रहा है? कंट्रोवर्सी काफ़ी चलती है इस पर, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, उसको दबाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग ही दबा रहे हैं इस बात को। कोई नहीं गाइस, बनेगा वन डे। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि यहाँ पे भी सीता मैया का मंदिर बन जाएगा। हालांकि सामने मंदिर है पर यहाँ पे रियल जन्मस्थल है तो यहाँ पे बनना चाहिए। ये देखो कितना लग रहा है कि बांस वांस बस दे के मंदिर बना दिया है, जबकि भव्य बनना चाहिए हमारी सीता मैया का मंदिर। वेल, उम्मीद है बन जाएगा। तो ये आज का ब्लॉग यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं कहीं और कभी और। जय सियाराम।